Now again, next more about integer types. जैसे इंटीजर्स के रिस्पेक्ट में जब भी आप कोई वैल्यू असाइन करने के लिए ट्राई करो देन वैल्यू क्या समझिए शुड बी ओनली इंटीजर. इंटीजर के अंदर बाइट शॉर्ट और कैरेक्टर टाइप के वैल्यू डायरेक्टली असाइन करना पॉसिबल. सपोज दैट अगर आपके पास डेटा किस फॉर्म में लाइक लॉन्ग फॉर्मेट, जैसे मैंने इस केस में असाइन किया इंट एक्स 10, 10 इज वैलिड कंटेंट्स, 10 का बाई डिफॉल्ट टाइप क्या रहेगा इंटीजर. बट सपोज दैट इस केस में स्मॉल एल और कैपिटल एल यूज करता हूँ, एल क्या इस केस में क्वालिफायर. एल के रिस्पेक्ट में 10 का टाइप क्या है, 10 इज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग फॉर्मेट और लॉन्ग टाइप का वैल्यू इंटीजर में डायरेक्टली साइन करना पॉसिबल नहीं. देन इस केस में रिस्क क्या हुआ, कंपाइल टाइम एरर सेम, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन फाउंड, वैल्यू फाउंड किस फॉर्मेट में रहा इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग, फाउंड लॉन्ग रिक्वायर्ड इंट, कंपाइल टाइम एरर. सेम केस में अगर आपको मीन्स सपोज अगर आपके पास कोई वैल्यू लॉन्ग फॉर्मेट में उस वैल्यू को इंटीरियर में असाइन करना है देन मीन्स परफेक्टली असाइन करने का वे क्या रहेगा बाई यूजिंग टाइप कास्टिंग. मीन्स अगर आप डायरेक्टली 10 असाइन करो 10 डायरेक्टली असाइन करना पॉसिबल, बट सपोज आपको 10 एल असाइन करना है कोई भी लॉन्ग वैल्यू असाइन करना देन उस केस में यूज क्या करें टाइप कास्टिंग इन टू इंटीजर 10L, इट इज वैलिड, देयर इज नो एरर. सेम एज वन मोर केस, इंटीजर एक्स इक्वल्स टू 2.5 के केस में बात करूँ, 2.5 किस टाइप कंटेंट है डबल, डिफॉल्ट टाइप क्या रहेगा इसका डबल, डबल टाइप का वैल्यू इंटीजर में डायरेक्टली साइन करना पॉसिबल नहीं. अगेन कंपाइल टाइम एरर, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन फाउंड डबल रिक्वायर्ड इंट. तो इस केस में भी असाइनमेंट के लिए प्रॉपर वे क्या रहेगा यूजिंग टाइप कास्टिंग लाइक दैट, इंट एक्स इक्वल्स टू टाइप कास्टिंग इंटू इंटीजर 2.5. जब भी किसी भी डेसिमल वैल्यू को इंटीरियर में टाइप कास्ट करो तो इसके इसमें ओनली कौन सा पार्ट रिट्रीव होगा इस पर्टिकुलर टाइप कास्टिंग की बेसिस पर, इसका रिजल्ट क्या आएगा ओनली इंटीरियर पार्ट विच इज 2. फाइनली इस केस में एक्स में रियल केस में क्या असाइन होगा एग्जैक्टली 2 नॉट एट 2.5, मीन फोर्सफुली असाइनमेंट हो रहा देन कहीं ना कहीं डेटा लॉस्ट होने चांस, तो इसके इसमें कौन सा पार्ट लॉस्ट हो रहा है डेसिमल पार्ट, क्लियर देन वैलिड. वन मोर केस, अगर मैं यूज करता हूँ इंटीरियर एक्स इक्वल्स टू ट्रू, ट्रू के केस बात करें ट्रू का टाइप क्या है इस केस में बुलियन टाइप, देन इस केस में क्या आएगा पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन और इनकॉम्पटेबल टाइप, इनकॉम्पटेबल टाइप. रीजन मैंने जस्ट डिस्कस किया था, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन अगर कहीं भी रेज हो रहा है देन इसका मतलब क्या टाइप कास्टिंग करके असाइनमेंट पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अगर इनकॉम्पटेबल टाइप है देन उस केस में टाइप कास्टिंग भी पॉसिबल नहीं हुआ. इस केस में रेज क्या हुआ कंपाइल टाइम एरर, इनकॉम्पटेबल टाइप एरर मैसेज का टाइप क्या कंपाइल टाइम, इनकॉम्पटेबल टाइप फाउंड किस टाइप का वैल्यू अवेलेबल है बुलियन, फाउंड बुलियन एंड रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड फॉर्मेट क्या है इस केस में इंट. देन वन मोर टाइम्स, अगर आप इस केस में इस सिचुएशन में अगर आप टाइप कास्टिंग करने के लिए ट्राई करोगे टाइप कास्टिंग इंटू इंटीजर देन इस केस में पर्टिकुलर केस अगेन कैसा वैलिड और इनवैलिड, इनवैलिड केस. इस केस में रेज क्या हुआ कंपाइल टाइम एरर, इन इस केस में कंपाइल टाइम एरर का टाइप क्या हुआ इनकन्वर्टिबल टाइप्स, इसे ट्रू इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए एप्लीकेबल नहीं है. क्या आएगा इसके इसमें इनकन्वर्टिबल टाइप इनकन्वर्टिबल टाइप्स कंपाइल टाइम एरर, फाउंड किस टाइप का वैल्यू फाउंड हो रहा है इस केस में बुलियन, रिक्वायर्ड टाइप क्या है अगेन इंट. इस द डिफरेंट डिफरेंट केस रिलेटेड टू असाइनमेंट्स. जस्ट इस केस में मीन्स जावा के गेम अगर सेम असाइनमेंट अगर आप सी लैंग्वेज में चेक करो सी लैंग्वेज में टाइप कास्टिंग मैनुअली करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि सी इज नॉट अ स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज, लेकिन जावा क्या है जावा इज अ स्ट्रिक्टली टाइप्ड चेक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मीन्स एवरी असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है चेक कर रहा है ड्यूरिंग कंपाइल टाइम, इसलिए इनवैलिड केसेस में रेज क्या हो रहा है कंपाइल टाइम एरर्स.